हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबके अपने इसके ब्लॉगर में। और ये देखिए सुबह का टाइम है, तो जो हमारे मींस आते हैं साफ़ सफाई के लिए वो आए हुए थे। थोड़ा घर बड़ा है तो किसी से हो तो नहीं पाएगा झाड़ू वगैरह सब। बाकी सब तो अपना रूम वगैरह सब लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन छत बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा दो तीन है तो वही आते हैं साफ़ करने के लिए, वही कर रहे थे। और ये सुबह में मैं पूजा करके आई थी, देखिए अगरबत्ती जलाई हूँ जो धुआं थोड़ा थोड़ा भी दिख भी रहा है। तो तुलसी जी का पूजा की थी और सूर्य देवता का। और ये मेरे घर के कुछ फूल पौधे हैं, अभी तो बहुत है। हाता जो है मीन्स अहाता उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो बहुत है उसमें। तो ये छत पर थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो इसीलिए। और ये देखिए सुबह सुबह में ऐसे भी थोड़ा सा क्लाउडी था मौसम, तो अच्छा लग रहा था। पूरा खुल के धूप नहीं हुआ था तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छा लग रहा था, हवा अच्छे चल रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा सा ये भी सूट कर लूँ। ऐसे भी जो सिटी में रहते हैं उनको तो छत देखने को नहीं मिलता है, सॉरी छत बोल रही हूँ, आसमान नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, छोटे छोटे घरों में लोग पैक होते हैं तो खिड़की से क्या ही दिखेगा। इसलिए तो ऐसे जब भी मैं ना शहर में रहती हूँ ना गांव में, एक छोटा सा ये कस्बा है तो इसलिए यहाँ से सब गांव का भी माहौल है और सिटी का भी माहौल है। क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और गांव का माहौल भी मिल जाता है। और ये सुबह मैं बच्चों को टिफ़िन बना के दे चुकी थी और ये 6 बजे मैं सब्ज़ी काट के और दाल पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं फिर मैं भी रूम में जा कर के थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। आती हूँ 8:30 बजे तो फिर खाना बनाती हूँ। तो यही सब मीन्स किचन में थोड़ा टिफ़िन बनाने के बाद क्या होता है ना कि 4 बजे भोर में उठते हैं, फिर तो रात को ऐसे 12-1 बज जाता है सोते सोते, या 11-12 ही बज जाता होगा, लेकिन फिर 4 घंटे में नींद पूरा नहीं होता है। तो फिर इसलिए थोड़ा सोना ज़रूरी लगता है, क्योंकि दिन हो या रात सब मिला के 6-7 घंटा तो सोना ज़रूरी ही है। तो इसलिए और ये बच्चे चले गए हैं तो सब क्लीन कर दी हूँ रूम को थोड़ा बहुत। अभी झाड़ू पोछा तो होगा नहीं सुबह सुबह में, ये तो थोड़ा लेट से करती हूँ मैं। और ये देखिए ये जो दीवार पे लगाई ना स्टिकर, ये मैं अमेजोन से मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और बाकी रूम थोड़ा सा हटा बढ़ा देती हूँ, बस सामान सोफ़ा वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बेड पे ये लोग सोए रहते हैं। जब तक बेड ना क्लीन हो तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है रूम में, और झाड़ू पोछा करूँ तो जब बेड क्लीन होता है तो फिर झाड़ू पोछा करने का मन करता है। तो ये बेटा, छोटा वाला बेटा मेरा और मेरे हस्बैंड सोए हैं, क्योंकि बेटे का तभी ऑनलाइन चल रहा है। स्कूल भी खुला है लेकिन क्या है ना, पेरेंट्स होने की वजह से थोड़ा सा डर है क्योंकि मैं नहीं भेजना चाहती हूँ अभी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चूज़ करने को है, मैं ऑनलाइन ही चुनी हूँ, क्योंकि घर पे बच्चे रहें, छोटा है ठीक रहेगा, थोड़ा जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा मास्क लगा के रहेंगे, सैनिटाइज़र यूज करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ करते हैं ऐसा, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब घर पे बोलेंगे तो हाँ 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 करूँगा। और ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये मनी प्लांट है जो घर में मैं ग्रो कर रही हूँ पहली बार एक मनी प्लांट से तोड़ के, तो ये मुझे अच्छा लगा था। और ये 8:30 या 9 बज रहा होगा, मैं आ गई हूँ किचन में तो खाना बनाने के लिए। और मुझे लग रहा है मैं दाल बना चुकी हूँ, तो इसी कुकर में अब मैं लौकी का सब्ज़ी बनाऊँगी, सादा ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि लौकी का सब्ज़ी तो सादा ही ठीक लगता है। मसाला वाला बनता है, 2 प्याज़ा भी बनता है, लेकिन अभी तो सादा बनाऊँगी क्योंकि चावल दाल पे बनाना है मुझे। तो बस जीरा एक ही में भी बनता है, लेकिन मैं बोली ना मैं सरसों का तेल थोड़ा सा यूज करती हूँ, क्योंकि सरसों ही मुझे लगता है हम लोग को सूट करता है, सरसों तेल ही मेरे हस्बैंड को मुझे। तो ये जीरा और सूखा मिर्च और फिर लौकी डाल के, हल्दी नमक डाल के, और जिसको थोड़ा बहुत मसाला डालना हो वो भी डालें, लेकिन हम लोग को सादा पसंद आता है चावल दाल के साथ। देखिए हल्दी और नमक बस यही डालूँगी मैं, और फिर 2-3 सीटी लगा देंगे, थोड़ा 1 सीटी आने के बाद कम आँच करके 2-3 सीटी लग जाएगा। फिर इसको खोल के ढक्कन को, और फिर इसको जो पानी है इसमें, क्योंकि पानी तो ये अपने आप छोड़ देता है, तो फिर जला लीजिए पानी को, फिर सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगा। और
ये देखिए पनीर फाड़ने के लिए मैं रखी हूँ। घर पे ही पनीर हम लोग फाड़ते हैं क्योंकि मार्केट का पनीर तो नहीं अच्छा लगता है इतना ना। हम लोग घर का ही घर पे ही पनीर फाड़ते हैं दूध लेके हमेशा ही। देखिए ये पनीर का पानी है और बहुत ही ईजी है, आँख बंद करके कोई भी फाड़ सकता है। बस दूध बैठाइए खोल जाए और ये पनीर का पानी डाल दीजिए। पनीर का पानी मीन्स कि आप या बाहर से भी ले आ सकते हैं, जो हलवाई होते हैं मीन्स जो मिठाई की दुकान है जिनके यहाँ छेना वगैरह फटता है तो वो भी दे देते हैं आपको। और नहीं तो जो पानी बचता है पहली बार तो आपको लाना पड़ेगा, और नहीं भी है तो विनेगर से फाड़ दीजिए, नींबू से फाड़ दीजिए, किसी भी चीज़ से फाड़ दीजिए पनीर को। और जिसका पानी छान के बचता है ना उसको स्टोर कर लीजिए, और एक हफ्ता बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी ये आराम से आपका, ये जितना खट्टा होगा उतना जल्दी आपका पनीर फट जाएगा। थोड़ा एकदम जो गर्मी होता है मई जून का उसमें ये थोड़ा ख़राब हो जाता है एक हफ्ते का, तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी इसको चेंज करते रहते हैं या फिर ना स्टोर करें नींबू और विनेगर, या फिर बाहर के ही पनीर के पानी से काम चलाएं। और ये देखिए लौकी की सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई बातों बातों में, और ये देखिए पनीर फट के और एकदम बाहर की तरह पनीर फटता है, मतलब इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा होता है ना स्पंजी, क्या बताऊँ मैं। और ये देखिए जो पानी है इसी को स्टोर कर दूँगी मैं ठंडा करने के बाद, कोई भी बॉटल में भर के। गर्मी के दिन है तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी के दिन में तो ऐसे ही रखिए क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें खट्टापन आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दोबारा वो पनीर फटेगा नहीं कितना भी आप पानी डालेंगे। उसमें फिर कुछ ऐड करना पड़ता है विनेगर या फिर नींबू, तो मुझे लगता है कि गर्मी के दिनों में ही थोड़ा फ्रिज में इसको रखें और फाड़ने के पहले उसको निकाल के रख दें। और ये थोड़ा सा क्लिप मैं तीज का भी डाल दी हूँ, देखिए जो मैं पहनने वाली हूँ साड़ी और चूड़ी, थोड़ा बहुत जो है मैं बहुत अच्छा कोई मेकअप वेकअप तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन जो भी है ये। और ये मेरा हर वीडियो में थोड़ा सा क्लिप मेरा ऐसे ज़रूर लग जाता है, पता नहीं कैसे है मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए चूड़ी और यही जो तीज होता है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं लोग, तो फिर वही देखिए मेरा क्लिप उल्टा हो जाता है ना मुझे बड़ा ख़राब लगता है। और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो फिर मुझे ये क्या मैं बताऊँ, और मैं सारा चेक करती हूँ, पता नहीं हर वीडियो में कैसे ये होता है ये मुझे समझ ही में नहीं आता है। तो ये जो मीन्स नया तो नया क्या या पुराना क्या, जो मतलब कपड़े तो नए ही होते हैं लेकिन जेवर कहाँ पे नए होते हैं किसी के भी, तो वही सालों पुराने जेवर अपना भाई निकाल के औरतें उस दिन जो भी जिसके पास है वो पहनती हैं, मंगलसूत्र चूड़ी और कान का गले का यही सब पहनती हैं, पायल बिछुआ तो नया ले लेती हूँ मैं, लेकिन बाकी सब तो वही रहता है मेरा। तो ये देखिए बिछुआ हो गया, पायल हो गया, पैर में अभी कलर नहीं लगा है, जो महावर जिसको बोलते हैं वो जो नाम होते हैं ना क्या बोलते हैं ठकुराइन, वो आएंगी तो वो लगाएंगी। और ये देखिए मेहंदी, मेरी तो मुझे मेहंदी लगानी तो आती नहीं डिजाइन, लेकिन मैं ऐसे लगाती हूँ, मुझे ये ही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जो गोल गोल करके और ऐसे टिक्की टिक्की देते हैं ना, तो बड़ा सुंदर लगता है मुझे वो तो। और बहुत ही हार्ड ये व्रत होता है, तो ये देखिए और व्रत में ये भोर में जब मैं चाय और पानी पी लेती सुबह मेरे ख्याल से 4:30 बजे, हाँ तो सुबह मैं उठ के दान वन का छू करके और फिर नहा धो के पूजा पाठ करके दान का छू के फिर पानी पिया जाता है। तो पहले काढ़ा पीती फिर हलवा खा करके पानी पीती मैं। तो बस यहीं तक का आज का ब्लॉग था मेरा, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।